दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो निकली हुई है वैकेंसीज। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपके पास जॉब से रिलेटिव जानकारी मिलती रहे। हम यहाँ पे चाहे रिक्रूटमेंट्स निकला हो या वॉकिंग इंटरव्यू इंटरव्यू जानकारी टाइम से लाते रहते हैं। दोस्तों अगर कोई छूट जाएगा इंटरव्यू तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करो। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकला जो दोस्तों वो अप्रेंटिस के लिए निकला है, नियर अबाउट 1000 वैकेंसीज निकला हुआ है। तो दोस्तों अलग अलग लोकेशन के लिए वैकेंसी, जैसे हम बात करें कि केमिकल प्लांट के लिए जो आपका केमिकल ट्रेड के लिए जो जैसे कि 3 ईयर B.Sc मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर जो गुवाहाटी लोकेशन के लिए 34 है ये, ठीक है दोस्तों। और जो बरौनी लोकेशन के लिए 85 है, हल्दिया के लिए 51 है, और आप मथुरा के लिए 25 है, पानीपत के लिए बात करें तो दोस्तों 62 है, और दिग्भोई की बात करें तो 50 है दोस्तों, बोगई गांव की बात करें तो 42 है, प्रदीप के लिए बात करें तो 18 वैकेंसी दोस्तों। अब ये कैटेगरीज बटा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो लोकेशन है और जो ट्रेड है, ट्रेड अप्रेंटिस फैक्टर के लिए जो निकला हुआ है, यहाँ पर जो मांगा हुआ है यहाँ पर हाई स्कूल प्लस 2 ईयर का आपके पास ITI होना चाहिए फिटर से। तो बात करें वैकेंसीज की, तो गुवाहाटी लोकेशन के लिए 5 वैकेंसी है, बरौनी के लिए 8 है, गुजरात के लिए 34 है, हल्दिया के लिए 10 है, मथुरा के लिए 20 है, और दिग्भोई के लिए 0 वैकेंसी है दोस्तों। बोगई गाँव की बात करें तो 11 वैकेंसी, प्रदीप की बात करें तो 4 वैकेंसी दोस्तों। दोस्तों ये जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो 12 मंथ का है, मीनिंग 1 ईयर का इन दोनों के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ट्रेड जो ट्रेड अप्रेंटिस जो बॉयलर के लिए है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो B.Sc मांगा हुआ आपसे, और आपका बात करें वैकेंसी कितना है, तो गुवाहाटी लोकेशन के लिए 14 है, बरौनी के लिए 14 है, और दोस्तों गुजरात के लिए 8 है, और हल्दिया के लिए 26 है, मथुरा के लिए 15 वैकेंसी, प्रदीप के लिए 0, और दोस्तों बात करें कि दिग्भोई की तो 5 वैकेंसी है, बात करें कि बोगई गाँव की तो 6 वैकेंसी है, और बात करें प्रदीप के लिए तो 0 वैकेंसी दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो अप्रेंटिस जो केमिकल के लिए है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जो अप्रेंटिस वाले हैं जो 3 ईयर डिप्लोमा करे हुए हैं केमिकल इंजीनियर रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल से, उनके लिए, तो यहाँ पर जो आपका पीरियड रहेगा वो 12 मंथ का रहेगा, लेकिन सर बॉयलर के लिए जो है वो 24 मंथ के लिए, मतलब 2 ईयर के लिए। तो दोस्तों यहाँ बात करें कि डिप्लोमा वालों के लिए 3 ईयर केमिकल से करे हुए हैं, उनके लिए गुवाहाटी के लिए 15 वैकेंसी, बरौनी के लिए 9 वैकेंसी, गुजरात के लिए 51 है, हल्दिया के लिए 50 वैकेंसी, मथुरा के लिए 25 है, और पानीपत के लिए 58 है, दिग्भोई के लिए 5 है, बोगई गाँव के लिए 18 है, प्रदीप के लिए 40 है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं साथ में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को कट न करें बीच में। तो नेक्स्ट बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस के जो मैकेनिकल स्टेट से किए हैं, जो 3 ईयर डिप्लोमा किए मैकेनिकल से, उन्हें गुवाहाटी के लिए 13 है, बरौनी के लिए 9 है, और गुजरात के लिए 34 है, हल्दिया के लिए 10 है, मथुरा के लिए 20 है, और पानीपत के लिए 12 है। दिग्भोई की बात करें तो दोस्तों 30 वैकेंसी है, बोगई गाँव की बात करें तो 30 वैकेंसी है, और बात करें प्रदीप की तो 6 वैकेंसी है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो इलेक्ट्रिकल से किए हो, 3 ईयर डिप्लोमा जिनका इलेक्ट्रिकल से है, तो दोस्तों इन लोगों का 12 मंथ का ड्यूरेशन है। बात करें गुवाहाटी के लिए तो 17 वैकेंसी, बरौनी के लिए बात करें तो 9 वैकेंसी, हल्दिया के लिए बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 10 वैकेंसी दिखाया गया है, गुजरात के लिए बात करें 42 है, मथुरा के लिए 20 है, और पानीपत के लिए 55 है, और दिग्भोई के लिए 30 है, और बात करें बोगई गाँव के लिए 12 है, और प्रदीप के लिए 20 है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अब इंस्ट्रूमेंट के लिए जो 3 ईयर डिप्लोमा करें इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पर दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटिव, तो दोस्तों जैसे कि गुवाहाटी की बात करें 5 है, बरौनी की बात करें 8 है, गुजरात के लिए 22 है, हल्दिया के लिए 10 है, मथुरा के लिए 15 है, पानीपत के लिए बात करें दोस्तों 9 है, दिग्भोई की बात करें तो 11 है, बोगई गाँव के लिए 9 है, और प्रदीप के लिए 7 है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं
यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो दिया हुआ है, तो 3 ईयर बीए किया है, बीएससी किया, बीकॉम किया, उनके लिए भी है 15 मंथ के लिए यहाँ पे पीरियड डाला हुआ है कि आप आपका ट्रेनिंग जो अप्रेंटिस के लिए। तो यहाँ गुवाहाटी के लिए 10 है, बरौनी के लिए 5 है, और गुजरात के लिए 11, हल्दिया के लिए 9, मथुरा के लिए 10 है, और प्रदीप पानीपत के लिए 7 है, और प्रदीप के लिए 3 है, बोगई गाँव के लिए 10 है दोस्तों। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 15 मंथ है। तो अगर नेक्स्ट बात करें अकाउंटेंट के लिए, तो बी कॉम मांगा है 3 ईयर का, गुवाहाटी के लिए 2, बरौनी के लिए 3, गुजरात के लिए 3, हल्दिया के लिए 3, मथुरा के लिए 3, और पानीपत के लिए 4, दिगबोई के लिए 2, बोगई गाँव के लिए 2, और प्रदीप के लिए 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एंट्री डेटा के लिए, जो फ्रेशर्स अप्रेंटिस है, अगर आपके पास 12वीं है तो भी आप यहाँ अप्रेंटिस कर सकते हो दोस्तों। गुवाहाटी के लिए 5 है, बोगई गाँव के लिए 3 है, और गुजरात के लिए 6 है, हल्दिया के लिए 5 है, मथुरा के लिए 5 है, पानीपत के लिए 5 है, दिगबोई के लिए 5 है, और बोगई गाँव के लिए 5 है, प्रदीप के लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, जो 11वीं किए हुए हैं और आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट है। तो गुवाहाटी के लिए 4 है, बरौनी के लिए 3 है, गुजरात के लिए 5 है, हल्दिया के लिए 4 है, मथुरा के लिए 5 है, पानीपत के लिए 4 है, और दिगबोई के लिए 4 है, और बोगई गाँव के लिए 4 है, और प्रदीप के लिए 3 वैकेंसी दोस्तों। तो नियर अबाउट 1000+ वैकेंसीज निकला हुआ है। तो जहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि 50% होना ही चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी में तो 45% होना ही चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के ही आगे इसे भरें से जो भी है आपके, तो पूरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, वरना क्या होता है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म। तो दोस्तों ये जो लिंक ओपन होने वाली है वो 25 को लोग ओपन होगी। यहाँ पर एज की बात करें तो दोस्तों 18 से 24 एज मांगा गया है, जो 31/10/2019 के हिसाब से काउंट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा लिंक वगैरह दिए हुए आपके पास। तो यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रिटर्न टेस्ट भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा उस बेस पर, रिटर्न टेस्ट के बेस पर दोस्तों। रिटर्न टेस्ट होगा, 2 आवर का होगा, मीटिंग होगी उसके बाद, और तब सिलेक्शन होगा, पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ें दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, हाँ सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, देखो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। आपको लिंक दिया हुआ है सारे, अप्लाई कैसे करना है आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, कैसे कैसे जाओगे और कैसे कैसे अप्लाई करोगे पूरा प्रोसेस। लेकिन ये लिंक जो ओपन होने वाला है 25/10/2019 से होगा, 15/11/2019 तक चालू रहेगा प्रोसेस। ठीक है, आपके पास जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे 20/11 को कर पाओगे, रिटर्न टेस्ट 24 को होगा लगभग, और जो आपका रिजल्ट आएगा 29 तक आ जाएगा, और नियर अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 4/12 से 11/12 तक हो जाएगा नियर अबाउट। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो आपने यहाँ पर सर्च किया IOCL पोर्टल, तो देखो नीचे आएगा यहाँ पर IOCL इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो मैं यहाँ पर जो क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो क्लिक किया तो यहाँ पर लिंक ओपन हो रहा है, अजय लिंक ऐसा कुछ ओपन होके आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए सारा, देखो प्रदीप रिफाइनरीज जो 25 अक्टूबर से होगा, देखिए आपके सामने ये नोटिफिकेशन अभी का है। तो सारे अलग अलग रिफाइनरी के लिए अलग नोटिफिकेशन, वो कम्बाइंड नोटिफिकेशन था, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं देखिए आपके सामने चलते आ रहे हैं। आपको जिसमें भरना होगा उसे क्लिक करोगे, लेकिन ये एक्टिव होगा 10 बजे सुबह 25 तारीख को। देखो सारे नोटिफिकेशन आप अवेलेबल हैं आपके, जितने भी नोटिफिकेशन किया मैं कम्बाइंड नोटिफिकेशन दिखाया दोस्तों, या सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास ऐसे नोटिफिकेशन, क्योंकि हम लाते रहते हैं यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।